नहीं, यह हिंदुस्तान की एक ऐसी कंपनी है जो लोगों को एडवर्टाइज देखने के लिए बिल्कुल फ्री में पैसा दे रही है। आजकल बड़ी मात्रा में कंपनी फ्रॉड होती है जो काम करवा के पैसे नहीं देती है, और इसी वजह से लोग जब सोशल एडवर्ट के साथ जुड़ते हैं तब उसे भी फ्रॉड समझ लेते हैं और सिर्फ ट्राई करने के लिए रजिस्टर्ड होते हैं और अपनी डिटेल सही नहीं भरते। जब अपना काम शुरू करते हैं, पेमेंट जमा होता रहता है, और जब अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल करते हैं तब प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आज मैंने यह वीडियो ऐसे ही लोगों के लिए बनाया है जो लोग यह जेन्युइन कंपनी के साथ जुड़ते वक्त गंभीरता नहीं लेते हैं और बाद में पछताना पड़ता है। आइए जानते हैं सोशल एडवर्ड में जुड़ते वक्त कितनी सावधानियां रखनी चाहिए। पहली सावधानी, जब भी आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें तब अपना नाम सही से भरें। अपने पैन कार्ड में या बैंक अकाउंट में जो नाम है वह पूरा नाम डालें, स्पेलिंग की मिस्टेक न हो वो भी देख लें। दूसरी सावधानी, अपना मोबाइल नंबर सही से डालें, अगर गलत नंबर डालते हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरी सावधानी, अपना ईमेल एड्रेस सही डालें, अगर ईमेल आईडी नहीं है तो गूगल मेल में बना लें और बाद में फॉर्म भरें। अगर ईमेल एड्रेस गलत होगा तो आपको पासवर्ड रिलेटेड या पेमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। चौथी सावधानी, पासवर्ड 8 डिजिट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, और अपना पासवर्ड बनाते वक्त ये ख्याल रखें कि पासवर्ड में अल्फाबेट के अक्षर जैसे कि ABCD, 0 से 9 के बीच का डिजिट और स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @, हैज़, डॉलर, परसेंटेज इत्यादि शामिल होना चाहिए। बाद में कन्फर्म पासवर्ड में वही पासवर्ड डालें, अपना पासवर्ड लिख कर रखें। पांचवी सावधानी, मेल या फीमेल सिलेक्ट करने के बाद अपनी बर्थ डेट सही डालें और बाद में अपना सिटी डालकर टर्म्स एंड कंडीशंस के आगे टिक मार्क लगाकर रजिस्टर्ड नाउ पर क्लिक करें। इतना हो जाने के बाद आपके मोबाइल पर एक OTP यानी वन टाइम पासवर्ड का मैसेज आएगा। मैसेज आने में 2 मिनट्स का समय लग सकता है। मैसेज में जो पासवर्ड आए वो OTP के बॉक्स में डालकर ओके करने से आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा। छठी सावधानी, अब आपको www.socialadvert.us.com साइट पर लॉगिन करना है। लॉगिन बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन पर क्लिक करने से आपका अकाउंट ओपन होगा। जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन होते हैं तब आपको 5 या 10 टास्क पूरे करने के लिए कहा जाता है। ये टास्क आपको सिर्फ एक ही बार करना होता है। थोड़ा नीचे जाने से स्टार्ट लिखा हुआ बटन है, उस पर क्लिक करने से पहला टास्क आएगा। नीचे जाने से आपको पहले टास्क में कंपनी के फेसबुक पेज को लाइक करना होता है। एरो के पास में फेसबुक पेज का लाइक का बटन है, उस पर क्लिक करके फेसबुक पेज को लाइक करना है। अगर आपके फेसबुक अकाउंट पर लॉगिन नहीं है तो फेसबुक पर लॉगिन होना होगा। लाइक हो जाने के बाद बैक आने से दूसरा टास्क सामने आ जाएगा जिसमें आपको कंपनी की YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है। जैसे आप सब्सक्राइब पर क्लिक करते हो कंपनी की YouTube चैनल ओपन हो जाएगी। आप अगर YouTube पर लॉगिन नहीं है तो आपको Gmail ID से YouTube पर लॉगिन होना होगा और बाद में आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बैक होने पर तीसरे, चौथे और पांचवे टास्क में अलग अलग एप्लीकेशंस डाउनलोड करनी है। आपको ये एप्लीकेशंस प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है और इंस्टॉल करनी है। आपको ये एप्लीकेशंस को अभी ओपन नहीं करनी है। कई सारे लोग ये एप्लीकेशंस को ओपन करते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। इतना हो जाने के बाद फिनिश टास्क पर क्लिक करना है और जब एक ग्रीन कलर का राइट का चिन्ह आ जाए तब उसके नीचे कन्फर्म लिखा हुआ है उस पर क्लिक करनी है। इतना करने से आपकी ID एक्टिव हो जाएगी और आपको तुरंत $0.5 साइन अप बोनस के रूप में मिल जाता है। सातवीं सावधानी, अब आपको रोज की 20 एड देखनी है। एड देखने के लिए 3 लाइन वाले मेनू पर क्लिक करें और माई एड पर क्लिक करने से आपकी एड आ जाएगी। अगर आपके ब्राउजर में पॉपअप अलाउ का ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किया है तो एड शो नहीं होगी और पॉपअप की एरर शो करेगी। पॉपअप अलाउ करने के लिए क्रोम ब्राउजर में राइट साइड ऊपर 3 डॉट है जो ब्राउजर का मेनू बार है, उस पर क्लिक करें। अब सेटिंग पर क्लिक करें। सेटिंग के अंदर साइट सेटिंग पर क्लिक करें। अब पॉपअप का ऑप्शन है उस पर क्लिक करें और उसे अलाउ कर दें।
अब बैक आकर फिर से माई एड पर क्लिक करने से आपके सामने चार चार के समूह में व्यू लिखा हुआ कुल 20 बटन आएगा, उस पर क्लिक करके एड देखनी है। आठवीं सावधानी, एड के बटन पर क्लिक करने के तुरंत बाद बैक नहीं आ जाना है, कम से कम एक मिनट एड को व्यू करनी है। अगर आप ठीक ढंग से एड व्यू नहीं करते हैं तो आपकी आईडी ब्लॉक हो सकती है। नौवीं सावधानी, आप एक मोबाइल पर यानी एक आईपी एड्रेस पर एक ही आईडी ओपन कर सकते हैं। अगर आपने अपने मोबाइल पर एक बार कोई आईडी ओपन की है तो उस मोबाइल पर कभी दूसरी आईडी ओपन न करें। दसवीं सावधानी, अगर आपकी उम्र 18 साल की नहीं है और आपके पास अपना पैन कार्ड या बैंक में अकाउंट नहीं है तो अपने नाम से आईडी ओपन न करें, अपने पापा या परिवार के दूसरे कोई सदस्य के नाम से आईडी ओपन करें। दोस्तों, अगर आपने अब तक ये जेन्युइन कंपनी में ज्वाइनिंग नहीं लिया है तो यह वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करके आप फ्री ज्वाइनिंग कर सकते हैं। विश यू ऑल द